दोस्तों भोजपुरी सॉन्ग के वाइब भी कुछ अलग होती हैं, चाहे वो किसी भी सिंगर का सॉन्ग क्यों ना हो। आजकल जितने भी भोजपुरी सॉन्ग बनाए जाते हैं सभी सॉन्ग के म्यूजिक ट्रैक एक अलग ही अंदाज में बनाया जाता है। लेकिन आप सबको पता ही होगा खेसारी लाल के पिछले समय से जितने भी सॉन्ग रिलीज हुए हैं सभी सॉन्ग इनके एक से बढ़ के एक देखने को मिली थी। आजकल खेसारी लाल की टीम एक से बढ़ के एक बेहतरीन सॉन्ग पर काम कर रही है, यही वजह रही है खेसारी लाल अपने फैंस को हर दिन कुछ नया इंजॉय करा पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है खेसारी लाल एक बेहद ही धमाकेदार सॉन्ग लेकर अपने फैंस के बीच में आने वाले हैं। एक सॉन्ग खेसारी लाल का हाय हाय रे गरमिया, ये सॉन्ग खूब सुर्खियां बटोर रही है। खेसारी लाल के फैंस इस सॉन्ग की क्लिप खूब यूज करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद तो यही जताई जा रही है जिस तरह से इस सॉन्ग को दर्शक सपोर्ट कर रहे हैं आगे भी सॉन्ग को इसी तरह से सपोर्ट करें तो सॉन्ग कुछ हद तक रिकॉर्ड बना सकती है। इस सॉन्ग को अगर आपने नहीं सुना है तो हाय हाय रे गरमिया नाम से यूट्यूब पर अगर आप लोग सर्च करते हो तो आसानी से आप लोगों को ये सॉन्ग मिल जाएगी। अभी के टाइम पे ये सॉन्ग काफी सारे चैनलों पर अवेलेबल है। इस सॉन्ग को ऑलरेडी अगर आप लोगों ने इस सॉन्ग को सुन रखा है तो आप सबको क्या लगता है सॉन्ग खेसारी लाल के किसी भी सॉन्ग का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है नहीं? आप सबका जो भी राय हो इस सॉन्ग को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे तो दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में हर दिन किसी न किसी सिंगर का सॉन्ग आते रहते हैं, लेकिन हर एक सिंगर का सॉन्ग का अपडेट देना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ही सिंगर का सॉन्ग सुनना दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बता दूं कि समर सिंह भी फिर से सुर्खियों में बन चुके हैं। हर दिन समर सिंह कुछ ना कुछ सॉन्ग लेकर अपने फैंस के बीच में हाजिर रह रहे हैं। आप लोग समर सिंह के सॉन्ग सुनना पसंद करते हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोगों के बीच जल्द ही समर सिंह से रिलेटेड अपडेट वीडियो इसी चैनल पर आ जाएगी, बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। फिलहाल अभी अभी आपने जिस सॉन्ग को सुनने के लिए क्लिक किया हुआ है इस सॉन्ग को अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा इस सॉन्ग को खेसारी लाल नहीं बल्कि इस सॉन्ग को भोजपुरी जगत के सिंगर रितेश पांडे ने इस सॉन्ग को गाया हुआ है। सॉन्ग को सुनने के लिए आप लोगों को यूट्यूब पर रिद्धि म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, जहां पे आप लोगों को इस सॉन्ग के ऑडियो वीडियो सॉन्ग सुनने और देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस सॉन्ग पर ऑडियंस का रिस्पॉन्स कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। रितेश पांडे के फैंस इस सॉन्ग को बेझिझक एक बार सुन सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले ही आपने ऑलरेडी इस सॉन्ग को सुन रखा है तो आप लोगों को ये सॉन्ग कैसी लगी, आप सबका जो भी राय हो इस सॉन्ग को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। जाने से पहले आप लोग बताइएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोग कौन से सिंगर का सॉन्ग सुनना सबसे ज्यादा पसंद करते हो, कमेंट सेक्शन में सिंगर का नाम लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा यह छोटी सी भोजपुरी सॉन्ग अपडेट से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक भी करते जाइएगा। आगे भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि भाई लोग ये नया चैनल है, सेकेंड चैनल कुछ प्रॉब्लम के कारण डिलीट हो गया था। इस चैनल को ग्रोथ करने में भाई लोग काफी ज्यादा समय लग सकता है। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्द हम सबका ये चैनल ग्रोथ हो सकता है। फिलहाल चलिए भाई लोग चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।